देखिए, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि इधर के दिनों में युवाओं के अंदर, हमारे बेटे बेटियों के अंदर, भाई बहनों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, और ये विश्वास पैदा हुआ है पिछले 10-12 सालों से लगातार। ये नकल की बात, परीक्षाओं में धांधली की बात, पेन ड्राइव पर नकल करवाना एक सामान्य सी घटना हो गई थी। हर बात उनकी शिकायत होती थी, लेकिन शिकायत के बाद कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पहली बार हमने इस पर कार्रवाई करी और 80 से भी ज़्यादा लोग इसमें जेल में गए हैं अभी तक। 80 लोग एक बड़ी संख्या है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया कि कोई छोटा है बड़ा है, जो भी इसमें लिप्त पाया गया हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। और इतना ही नहीं, उसके बाद हम देश का सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए हैं, नकल विधेयक हम लेकर आए हैं, और उसमें हमने प्रावधान किया है कि उसमें जो है उम्र कैद की सजा का हमने उसमें प्रावधान किया है। जो भी नकल माफिया होगा उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है, और जो परीक्षा से संबंधित कोई भी होगा अगर वो नकल के काम में इन्वॉल्व होगा तो उसको पहली बार में 3 साल का और अगली बार में 10 साल का जो है परीक्षाओं से डीबार करने की भी इसमें हमने प्रावधान किया है। और मैं बताऊं कि इसके होने के बाद हमारे जो हमारे भाई बहन हैं उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ, और 4-5 परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, और 5 परीक्षाओं में 5 लाख से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। एक बड़ी संख्या है, सबके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि अब हम परीक्षाओं में भाग लेंगे तो हमको योग्यता के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, और उनकी जो पढ़ाई लिखाई होगी उसके आधार पर उनको चयन का अवसर मिलेगा। और चयन का अवसर मिल रहा है, एक नई शुरुआत हुई है, और निश्चित रूप से। और दूसरी बात जो आपने कही है पलायन की, पलायन हमारे यहाँ की एक बड़ी समस्या है, हमारे लिए एक चुनौती भी है, लेकिन धीरे धीरे जो हमने स्वरोजगार के बहुत अनेकों माध्यम, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, सभी में हमने नई जो हम नीतियाँ लेकर आए हैं उसमें हमारे नौजवान युवा सब उनको इस प्रकार से बनाना है कि केवल सरकारी जितनी रिक्तियाँ हैं या सरकारी जितने पोस्ट हैं उनसे उनका काम नहीं चलने वाला है। वो कुछ हजारों में होंगी, बहुत ज़्यादा हम निकाल देंगे 40,000-50,000 हो जाएंगे, लेकिन इतने से बेरोजगारी समाप्त नहीं होने वाली है। इसलिए नौजवान युवा वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, आने वाले समय में रोजगार देने वाले बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो इस बार का सामान्य बजट था, हमने उस बजट को भी उसी दिशा में हम ले गए हैं, और निश्चित रूप से जो हमने आर्थिकी को, GSDP को अगले 5 सालों में दुगना करने का जो एक लक्ष्य लिया है वह भी हमारा इससे सार्थक होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।